सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सैमसंग गैलेक्सी A51 क्वार्टर वन में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला यह स्मार्टफोन है पूरा वर्ल्ड में। जी हां, सैमसंग गैलेक्सी A51 Q1 में सबसे ज़्यादा सेल हुआ था पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ये स्मार्टफोन को अभी यानी कि 2020 के एंड में आप लोगों को बाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन आया था ये दिसंबर 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था और अभी 2020 ख़त्म होने जा रहा है, तो क्या अभी आप लोगों को सैमसंग का A51 बाय करना चाहिए, क्यों बाय करना चाहिए, क्यों बाय नहीं करना चाहिए, सभी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सैमसंग का A-सीरीज का स्मार्टफोन है, ये सैमसंग का A-सीरीज का एक प्रीमियम स्मार्टफोन है और सैमसंग ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि जो सैमसंग का A51 और A71 है इनको 3 साल तक मेजर अपडेट मिलेगा। यानी कि अभी सैमसंग गैलेक्सी A51 को 3 अपडेट मेजर अपडेट मिलने वाला है। एक तो एंड्रॉयड 11 का मिलेगा, साथ में एंड्रॉयड 12 का और एंड्रॉयड 13 का। यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए सैमसंग गैलेक्सी A51 एक बेहतर डील है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप लोग लंबे समय तक स्मार्टफोन को यूज़ करना चाहते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A51 आपको 3 साल तक सपोर्ट देगा सैमसंग इस स्मार्टफोन के साथ, जो कि एक बेहतर बात है। अभी तक इसमें पहला मेजर अपडेट भी नहीं आया है, दिसंबर के एंड तक इसमें आपको पहला मेजर अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंचेस का 1080p सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सेंटर में पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी नेचुरल कलर आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी शिकायत इस स्मार्टफोन से नहीं होगा। अगर आप लोग एक कैजुअल यूजर है, कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, नॉर्मल वीडियोज़ देखते हैं, तो आपको डिस्प्ले में कोई भी शिकायत नहीं होगा। डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट इस प्राइस कैटेगरी में आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सैमसंग का डिस्प्ले है तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई भी शिकायत डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग 3 साल तक इस्तेमाल करेंगे तो मे बी फ्यूचर में आपको थोड़ा रिग्रेट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 60Hz का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। एटलीस्ट अगर सैमसंग यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट देता तो बेहतर बात हो सकती थी। अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, यहाँ पर सैमसंग ने इस्तेमाल किया है एक्जिनोस का 9611, 6GB का रैम मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेसर है ये मैं बोलूँगा कि अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग के लिए नहीं है लेकिन, और आज के टाइम में कोई हेवी गेम है भी नहीं। एक कॉल ऑफ ड्यूटी है या फिर फ्री फायर है, फ्री फायर तो नॉर्मली चल जाता है लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी अगर आप लोग खेलते हैं तो थोड़ा आप लोग दूर रहिएगा। लेकिन अगर आप लोग एक नॉर्मल यूजर है, सिर्फ इंस्टा फेसबुक नॉर्मल बातें करते हैं फ़ोन में, कैजुअल यूजर है, तो उसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी दिक्कत आपको सैमसंग के A51 से होने वाला है। आँख बंद करके आपको सैमसंग का A51 यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कैमरा के बारे में, कैमरा के बारे में आप लोग टेंशन मत लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में मिलेगा। बैक साइड में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, सामने आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। काफ़ी सारे फीचर सैमसंग अपडेट के बाद देते रहता है, तो कैमरा इस स्मार्टफोन का दिन पर दिन बेहतर होते जा रहा है। तो इस स्मार्टफोन का कैमरा मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको कैमरा के डिपार्टमेंट में कोई भी शिकायत यहाँ पर नहीं होगा। अब एक चीज़ है जो मुझे डर लग रहा है कि शायद फ्यूचर में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, वो है इस स्मार्टफोन का बैटरी। यहाँ पर आप लोगों को 4000mAh का बैटरी मिलता है, 15W का चार्जर मिलता है, तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे तो मे बी 4000 बैटरी आप लोगों के लिए उतना इनफ नहीं रहेगा। आज के टाइम में आपको 5000mAh का बैटरी तो ऑलमोस्ट हर एक स्मार्टफोन में मिलता है, लेकिन हाँ एक आराम से एक दिन तो निकल ही जाएगा अगर आप लोग एक कैजुअल यूजर है तो। बैटरी थोड़ा वीक पॉइंट मैं इस स्मार्टफोन का बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर आपको ये स्मार्टफोन अच्छे ऑफर्स में मिल रहा है, अगर आपका बजट भी है सैमसंग के A51 की तरफ, तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली आपको बाय कर लेना चाहिए। सैमसंग का अच्छा स्मार्टफोन है और अच्छे फीचर्स दे रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी एक काफ़ी अच्छी बात है। और अभी सैमसंग ने नया Alt+G एक सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड किया जो कि और बेहतर इस स्मार्टफोन को बना देता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद है और अगर आप लोगों को लेने का मन है तो डेफिनेटली आप लोग बाय कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।